3 मार्च रोज जमेरात को हमने जाना है जी बर्थडे पर। तो अच्छा जी ये हैं जी ड्रेसेस, मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी हाँ, मेरा ना दिल चाह रहा था कि मैं लाइक ड्रेसेस वगैरह जितने भी मेरे पड़े हुए वो सारे जो है प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने कपड़े जो है ना वो नहीं समेटे। मतलब ये अलमारी जो है ना वैसे बिखरी पड़ी, मैं आपको थोड़ी देर में अलमारी भी दिखाती हूँ कि अलमारी का क्या हाल हुआ पड़ा है। लेकिन उससे पहले क्या है कि हम कपड़े जो है वो प्रेस कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ भी आप लोगों से मुझे पूछनी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में करती हूँ। आप लोग मुझे उसके बाद में ज़रूर बताइएगा कि मतलब मैं क्या चीज़ करूँ। पहले मैं इस्त्री जो है वो ऑन कर लेती हूँ, ये चीज़ हमारी आयरन। और अच्छा जी तो हम सबसे पहले जो है वो कपड़े प्रेस कर लेते हैं। अच्छा बात मैं कुछ यूँ कर रही थी कि हम लोगों ने जाना है जी सालगिरह पर, हमारी हमें कार्ड आया है, कपल कार्ड भी दिखा देती है कोई ठहरे। ये है जी डेट 3 मार्च रोज़ जमेरात को हमने जाना है जी बर्थडे पर। तो उसके लिए मुझे ना थोड़ी तो सी तैयारी करनी थी, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी कि कौन सा ड्रेस जो है वो पहन कर जाऊँ और कौन सा जो है वो ना पहनूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा ड्रेस जो है वो सही है वो मैं पहन कर जाऊँ। तो एक्साइटेड हूँ, मतलब अक्सर हम बाहर कभी ही जाते, कोई ऐसा फंक्शन हो ना मेरा बड़ा दिल चाहता है जाने का, तो ये वाला फंक्शन जो है वो मैं मिस नहीं करना चाहती। अक्सर हम लोग जो फंक्शन होते हैं वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, हम लोग नहीं जाते, लेकिन इस फंक्शन पर मेरे जाने का दिल चाह रहा है और देखते हैं हम जाते हैं कि नहीं जाते। मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं जाऊँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो ड्रेसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा जी जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं भी वेलकम आप सबको, और इसी तरह से वीडियोस के साथ बने रहा करें। वीडियोस जो अपलोड होती है ना उसको लाइक ज़रूर किया करें, देखा करें, वॉच किया करें वीडियोस को, और अच्छा रिस्पांस दिया करें। अच्छा मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तमाम सब्सक्राइबर्स के साथ कि वो इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही डिसेंट लोग हैं, बहुत ही सेंसिबल लोग हैं, बहुत ही मतलब कि समझदार लोग हैं, कोई फजूल बात नहीं करते कमेंट्स में। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही होती है कि अपनी तरबियत जो है ना वो अच्छी रखनी चाहिए, और जो लोग अच्छी तरबियत के हैं ना वो अच्छी तरबियत के हैं, उनकी ज़ुबान से ही पता चलता है कि वो कैसी तरबियत के हैं। इल्मा भी नाराज़ होगी, नाराज़ होगी मुझसे, कह रही मम्मा मैं आपकी नहीं हूँ। इल्मा इल्मा नाराज़ हो गई। अच्छा जी बस जी कपड़े जो है मैं प्रेस कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को वो कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं पहन कर जाऊँ। आप लोग मुझे इसमें से लाजमी बताइए क्योंकि मैं कौन से वाले ड्रेस जो है वो पहन कर जाऊँ, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत अच्छे जोड़े हैं, 2-3 पड़े हुए काफ़ी अच्छे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको खुद से शेयर करती हूँ। ऐसे हो गए कपड़े इसके, मैं इतने ही करती हूँ। अच्छा मैं अपने कपड़े जो है ना वो नॉर्मल इतने ही प्रेस करती हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। बस इल्मा फातिमा क्या हुआ मेरे बेबी को, मम्मा ने मारा, मम्मा ने डांटा बेबी को। अच्छा जी पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो कपड़े कि मैं कौन से कपड़े की बात कर रही हूँ। अच्छा जी ये हैं जी ड्रेसेस, मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। एक ये ड्रेस है, ये मैक्सी है, इसके साथ इसके कपड़े मैंने कहाँ कर दिए, इसका दुपट्टा ही है, और ये है जी इसका दुपट्टा, ठीक है। और ये फुल मैक्सी है, ये देखिए लॉन्ग मैक्सी। एक ये मैक्सी है जो मेरा दिल चाह रहा है कि पहन के जाऊँ, और या फिर एक ये वाली मैक्सी है, दोनों मैक्सीज हैं लॉन्ग में। तो आप मुझे ये बताएं कि दोनों में से कौन सा ड्रेस अच्छा है, ठीक है बता दें। जो भी आप लोगों को सही लग रहा है ना डिटेल के साथ मैंने आपको दिखा दिया। ये इसका दुपट्टा है ऊपर, बहुत प्यारा सा, और टाइट्स के साथ जो वो गोल्डन ही हैं दोनों के। तो बाकी ये मैक्सी है, और आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कौन सा अच्छा, ठीक है, ताकि मैं वो रेडी करके रखती हूँ, ठीक है ना, प्रेस व्रेस करना पड़ता है। तो उसके अलावा जी ये ब्लैक है, बिल्कुल कैजुअल सा है और बिल्कुल डिसेंट सी लुक आती है इसमें। तो आप लोग मुझे बताइए ये वाला अच्छा है या इनमें से कौन सा अच्छा है, ठीक है, लाजमी आप लोग ने बता देना। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहीं जाना हो ना मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, कौन सा ड्रेस पहनूँ और किस तरह से तैयार हूँ, कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। सिंपल जो मतलब है ना वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कहीं पर भी जाने के लिए, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आती मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, कौन सा ना पहनूँ। तो चलो जी फिर मैं ही पहले वापस रख के आती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ और आप लोगों के साथ मज़ीद व्लॉग शेयर करती हूँ। सुबह साइड पर हो चलो जी, मैं इधर से आ गई हूँ। अच्छा जी तो कपड़े जो है आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा भी कमेंट्स में कौन से कपड़े जो है मैं पहन कर जाऊँ और कौन से
नहीं सही, मतलब हैं तो सारे अच्छे, मुझे उम्मीद है कि सारे आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इसमें से कलर्स कौन से अच्छे हैं और कौन से नहीं है। ब्लैक का ये होता है कि डिसेंट कलर होता है, मतलब इंसान ज़रा डिसेंट डिसेंट सा लगता है। बाकी ये है कि आप लोग मुझे मज़ीद जो है वो कमेंट्स में बताइएगा, और बाकी ये कपड़े वगैरह जो मैं प्रेस कर रही हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो स्किप कर देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बना देती हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ब्लॉग्स बना सकूँ, ठीक है। मेरी हौसला अफजाई हो और मैं खुश हूँ और मैं अच्छे से ब्लॉग्स बनाऊँ। जब आप लोग लाइक नहीं ना करते तो उसके बाद फिर मैं दिल नहीं चाहता वीडियो बनाने को। तो ये जी मैंने कर लिया, अपने कपड़े भी प्रेस तकरीबन हो चुके हैं, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।